बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी से हाथ मिला लिया। इसके बाद एक बार फिर विपक्षी खेमे में उत्साह देखने को मिल रहा है। विपक्ष के तमाम नेता दावा कर रहे हैं कि अब 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी समेत एनडीए को झटका लगेगा। लेकिन क्या ऐसा होने जा रहा है? इस सवाल का जवाब तो जनता ही दे सकती है, और एक सर्वे में जनता ने इस सवाल का जवाब भी दे दिया है। हालांकि लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन जनता का मूड यही कहता है कि फिलहाल नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प बतौर पीएम उन्हें नहीं दिख रहा। अब भी मोदी पीएम के तौर पर लोगों की पहली पसंद हैं। मोदी ने 2014 और 2019 में भी तमाम ऐसी बातों को झुठलाते हुए हर दिल अजीज बनकर देश में सरकार बनाई। यहां तक कि 2014 के मुकाबले 2019 में उनके नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए ज्यादा सीटों पर जीती। अब जो सर्वे आया है वो अगर सही रहा तो 2024 में मोदी चुनाव जीतने में 2019 का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। मोदी आज भी गरीबों, मजदूरों, महिलाओं और युवाओं की पसंद हैं, ये सी वोटर और मूड ऑफ द नेशन सर्वे कहता है। सर्वे में 53% लोग मोदी को फिर पीएम पद पर देखना चाहते हैं, जबकि सिर्फ 9% राहुल गांधी और 7% लोग अरविंद केजरीवाल को अपनी पसंद मानते हैं। मोदी को पसंद करने में 25% लोगों ने कोरोना मैनेजमेंट, 14% ने अनुच्छेद 370 का खात्मा, 8% राम मंदिर और विश्वनाथ कॉरिडोर को वजह बताते दिखे। पहले बीजेपी का मतलब अटल और आडवाणी थे, लेकिन गुजरात में सीएम बनने के बाद से ही मोदी लोगों की पहली पसंद बन गए। उनकी तेज तर्रार और मजबूत नेता की छवि, हिंदूवादी होने का फायदा बीजेपी को मिला है। युवा भी 65 साल से ऊपर के मोदी को चाहते हैं। उनकी भाषण शैली और छवि पाक को खरारा जवाब जैसी बातें युवाओं को भाती हैं। पिछले समय में हुए चुनाव भी ये बताते हैं कि महिलाओं में भी मोदी हिट हैं। इसकी वजह उज्ज्वला योजना, महिलाओं की सुरक्षा, 3 तलाक को खत्म करना जैसे कदम हैं। मोदी को लोग पसंद इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनकी छवि ईमानदार नेता की है। परिवार नहीं तो करप्शन भला किसके लिए करेंगे, ये बात भी मोदी के पक्ष में जाती है। उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। इसके अलावा राम मंदिर मुद्दे का हल होना भी उनकी सरकार में लोगों के भरोसे को बढ़ाता दिखता है। हिंदुत्ववादी लोग इसे मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं। लोगों को वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर भी पसंद आया है। सर्वे से एक बात भी सामने आई है कि पहले शहरों की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी ने अब गांवों में भी पैठ बना ली है। गांवों में खासकर गरीबों के लिए मुफ्त अनाज योजना ने मोदी और बीजेपी की ताक बढ़ा दी है। किसान सम्मान निधि के फैसले ने भी बीजेपी को गांव-गांव तक पहुंचाया है। कुल मिलाकर विपक्ष का मोदी को हटाकर देश पर शासन करने का ख्याल फिलहाल तो पका हुआ पुलाव नहीं रहा।